हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। आप देखिए, यहाँ पे उष्मा उपचार के उद्देश्य क्या है, यानी कि हीट ट्रीटमेंट के उद्देश्य क्या है, ये सभी चीज़ें मैंने पहले से ही लिख ली हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो लिखने में, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा समय हमारा आपका चला जाता है। और सबसे पहले दूसरी बात यह है कि आप लोग नोट्स बनाइए, चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल से ही नोट्स बनाइए, किसी भी चैनल से पढ़िए, गूगल से पढ़िए, किताब से पढ़िए, लेकिन हर टॉपिक का एक नोट्स और बनाइए ताकि उस टॉपिक से आपको कोई भी दिक्कत हो तो जब आप अपना नोट्स पलटें तो उसमें आपको मिल जाए सभी चीज़ें। तो नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, नहीं लेना है तो कोई बात ही नहीं। तो देखिए, उष्मा उपचार के निम्न उद्देश्य होते हैं। पहला क्या होगा कि धातु की मशीनिंग योग्यता में सुधार करना, यानी कि कोई धातु कठिन है और सॉरी कठोर है तो उसको मृदु बनाना, ताकि हम क्या करें उसकी आसानी से मशीनिंग कर सकें। धातु कणों का साइज बदलना, अभी धातु कण कई तरह के होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, आज बेसिकली नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग धातु कणों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि देखिए, जो धातु की प्रॉपर्टी है, अब जैसे मान लीजिए आप एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम हमारी क्या है, मुलायम धातु है। बात करें गोल्ड की, यानी कि सोने की, तो डक्टाइल हमारा मटेरियल है। तो क्यों है, क्योंकि उसके कण भैया कण अलग साइज के हैं ना। अब बात करें कास्ट आयरन की, तो कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी क्या है, भंगुर है। प्रॉपर्टी वाला वीडियो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, तो उसके कणों के कारण ही तो है भैया, जैसे हमारा व्यक्तित्व है, आपका व्यक्तित्व है, तो वो किस पर निर्भर करेगा, आपके दिमाग पर निर्भर करेगा ना। उसी तरह जो धातुओं का गुण है वो किस पर निर्भर करेगा, जो धातु के कण के साइज हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी है उस पे निर्भर करेगा। ठीक है, धातु की जो भी विशेषता है, जो भी गुण है, वो किस पे निर्भर करेगा, जिन कण से धातुएं मिलकर बनी हुई है उस कण पर निर्भर करेगा। तो हम लोग का अगर कोई प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है, यानी कि किसी धातु में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हमको उसमें वो प्रॉपर्टी डालनी है या वो प्रॉपर्टी हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसके जो कण है यानी कि जिन कणों से मिलकर धातु बनी हुई है, उन्हीं कणों के साइज में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं विभिन्न विभिन्न प्रोसेसेस द्वारा। कौन से प्रोसेस हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा क्या है, आंतरिक प्रतिबल को दूर करना, यानी कि इंटरनल स्ट्रेस को दूर करना। जब हम किसी धातु पे कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने वेल्डिंग किया या कोई ज्वाइंट बनाया, तो धातु में क्या होते हैं, आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, जिससे हमारी धातु क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट पे उसको दूर करने का काम करते हैं। धातु के आंतरिक गुण मैंने आपको पढ़ाया कौन कौन से हैं, जैसे तनन सामर्थ्य हो गया, कठोरता हो गया, तन्यता यानी कि डक्टिलिटी हो गया, आघात प्रतिरोध, शॉक रेजिस्टेंस हो गया, संक्षारण के विरुद्ध यानी कि संक्षारण के विरुद्ध प्रतिरोध हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है, प्रतिरोध में वृद्धि करना यानी कि इन सभी चीज़ों में क्या करना, वृद्धि करना। पांचवा क्या है, धातुओं में भंगुरता यानी कि ब्रिटलनेस को कम करना। ब्रिटलनेस मतलब अगर आप उस पर कोई टेंसाइल फोर्स लगाते हैं यानी कि तनन बल लगाते हैं, या उस पर कोई हैमरिंग करते हैं, तो हमारी धातु क्या होती है, चूरे के फॉर्म में बदल जाती है, टूट जाती है। तो धातु का यही गुण क्या कहलाता है, भंगुरता कहलाता है। तो इस गुण को क्या करना, कम करना। अगला उद्देश्य आप लिख सकते हैं नोट करके, मैंने लिखा नहीं है कि बाहरी कठोरता होते हुए भी धातु की जो आंतरिक कठोरता को क्या करना, कम करना। हम लोग इसमें ये प्रोसेस किस में करते हैं, टेम्परिंग में करते हैं। तो इतनी चीज़ें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आइए हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से हमारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं। तो देखिए, सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि देखिए सेमेस्टर में क्या है कि सेमेस्टर में आप रट्टा मार लेते हैं, आपको पास होना रहता है, कोई भी चीज़ है याद कर लिया और आप पास हो गए। लेकिन अगर आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है, जैसे बहुत से अभी फिटर की वैकेंसीज आई हुई हैं, NCL में वैकेंसी आई हुई है, UPRNL में वैकेंसीज आई हुई है, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी आई हुई है, इसरो हो, DRDO हो, अगर आप CTI एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी कंपटीशन अगर निकालना है तो वहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, यानी कि सी से कंपटीशन और सी से कॉन्सेप्ट। तो कंपटीशन तभी निकलेगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अब आइए देखते हैं कौन कौन से हमारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं जो हम लोगों को क्या करने हैं, पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले नंबर पे आता है एनीलिंग। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनिलीकरण। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या हो गया हमारा, नॉर्मलाइजिंग।
इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, सामान्यीकरण, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या हमारा क्या हो गया, कठोरण, पहले इंग्लिश में लिखे हार्डनिंग, कठोरण। चौथे नंबर पर क्या हो गया हमारा, टेम्परिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं पायनीकरण, ठीक है। जो लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ें, जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो लोग इंग्लिश में पढ़ें। पांचवें नंबर पर आ जाता है सरफेस हार्डनिंग, सरफेस, इसको हिंदी में बोलते हैं सतह कठोरीकरण, यानी कि सतह को कठोर करना, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं मैं उनको भी यही एडवाइस दूंगा कि इंग्लिश भी साथ साथ पढ़ें, ठीक है। इंग्लिश का बहुत यूज है, आगे जाएंगे तो आपको इंग्लिश की वैल्यू जो है पता चलेगी, तो साथ ही साथ इंग्लिश को भी पढ़ें। तो देखिए हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस में हमको ये सभी चीज़ें पढ़नी है, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग और सरफेस हार्डनिंग। तो पहले हम लोग इन तीन चीज़ों को पढ़ेंगे, और अगर आज टाइम मिलता है तो टेम्परिंग को भी पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में सरफेस हार्डनिंग को पढ़ेंगे, क्योंकि सरफेस हार्डनिंग हमारा एक बड़ा टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो ये सभी प्रोसेस पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। वो क्या है हमारा, वो है हमारा निम्न क्रांतिक तापमान, यानी कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, और उच्च क्रांतिक तापमान, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो आइए इन दोनों बातों को समझते हैं पहले, क्योंकि इसी पे हमारा पूरा क्या है, हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है वो निर्भर करता है। अब देखिए इतना स्लो पढ़ाने का रीज़न ये है मेरा, क्योंकि सभी लेक्चर्स में मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी सभी चीज़ें समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट बहुत ही स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, उनकी समस्या है, इसलिए हम लोग स्लो चल रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। बाकी मैं इतना स्लो, इतना धीरे बोलता नहीं हूँ, ना ही इतना धीरे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है निम्न क्रांतिक तापमान, और उच्च क्रांतिक तापमान, ठीक है। अब निम्न क्रांतिक तापमान क्या है भैया, और उच्च क्रांतिक तापमान क्या है, निम्न क्रांतिक तापमान वह तापमान है जिस पर धातु के कणों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोग हीट ट्रीटमेंट में क्या करेंगे भैया, हम लोग हीट ट्रीटमेंट यही करेंगे ना कि धातु के कणों में परिवर्तन करेंगे और उसके गुणों में परिवर्तन करेंगे, और जो गुण हमको चाहिए उसी गुण का हम धातु बनाएंगे। तो वह तापमान आप लिख लीजिए, वह तापमान जिस पर धातु के कणों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, शुरू हो जाता है। तो आप इतना बस मान के चलिए कि वह तापमान जिस पर धातु के कणों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, वही निम्न क्रांतिक तापमान कहलाता है। निम्न क्रांतिक तापमान मतलब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। स्टील के लिए निम्न क्रांतिक तापमान कितना होता है, 723 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने नोट में आपको लिखाया भी हुआ है पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो आप समझ गए कि निम्न क्रांतिक तापमान क्या है, धातु के कणों में परिवर्तन होना शुरू हो जाए तो वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है निम्न क्रांतिक तापमान, ठीक है। उच्च क्रांतिक तापमान में लिखिए, जहां पर फेराइट फेराइट का फॉर्मेशन फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। अब भैया आपको लग रहा होगा कि फेराइट क्या है, ठीक है। अब आपको ये यहाँ पे एक होगा कि फेराइट क्या है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि क्या है, धातु के विभिन्न विभिन्न कण होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की धातु मुलायम है तो उसका जो कण होगा वो अलग होगा, कास्ट आयरन हमारी कठोर धातु है तो उसका कण होगा अलग होगा। तो इसी तरह से इन्हीं कणों का नाम है, अलग अलग कण हैं, जैसे कि हमारा फेराइट हो गया, आस्टेनाइट हो गया, पियरलाइट हो गया,
लुडेवराइट हो गया, मार्टेनसाइट हो गया, इस तरह से जो भिन्न भिन्न धातुएं हैं उसमें भिन्न भिन्न कण, यानी कि कणों का हमने नाम दे दिया, ठीक है। जैसे हमारा नाम होता है अलग अलग, वैसे हमने माइक्रोस्कोप से देखा कि भैया इस संरचना का कण है तो इसको ये बोलेंगे। फिर हमने दूसरा माइक्रोस्कोप लगाया, दूसरी धातु पर देखा कि भैया एल्यूमिनियम का कण तो ऐसा है, इसकी संरचना तो गोलाकार है या ऐसी है, तो इसको हम लोग ये कहेंगे। तो उसी एक कण का नाम है फेराइट। तो जहाँ पे फेराइट बनना शुरू हो जाता है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा कि वह तापमान जिस पर धातु के कणों में परिवर्तन शुरू हो जाता है, परिवर्तन तो शुरू होगा लेकिन फेराइट बना कि नहीं बना ये बात की बात है। और उच्च क्रांतिक तापमान क्या है, जहाँ पर फेराइट बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। धातु कण मैं आपको पढ़ाऊंगा तो फेराइट, पियरलाइट, मार्टेनसाइट, लुडेवराइट, आस्टेनाइट, इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं। तो जहाँ पर फेराइट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा उच्च क्रांतिक तापमान कहलाता है। अब आप समझ गए निम्न क्रांतिक तापमान क्या है, उच्च क्रांतिक तापमान क्या है। इसको और डिटेल में पढ़ा सकता हूँ लेकिन उसको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझना है। इससे कभी प्रश्न आपसे पूछेगा भी नहीं, बस आपसे एक प्रश्न पूछा गया है कि स्टील का जो निम्न क्रांतिक तापमान कितना होता है, तो वो होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड। और उच्च क्रांतिक तापमान अपनी जानकारी के याद लिखिए कि जहाँ पर फेराइट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ये दो चीज़ें समझ में आ गई। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं, पहला जो हमारा ही ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो है अनीलिंग, ठीक है, यानी कि अनीलीकरण। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अनीलीकरण। ठीक है, नीलिंग हेडिंग डाल लिया। अब आइए इसमें लिखते हैं कि नीलिंग में होता क्या है। तो यहाँ पे दो तरह के प्रोसेस होते हैं, लो कार्बन स्टील के लिए अलग प्रोसेस होता है और हाई कार्बन स्टील के लिए अलग प्रोसेस होता है। हाई कार्बन स्टील के लिए अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। स्टील आपको पता है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील कहाँ उपयोग होती है, कार्बन की मात्रा कितनी होती है, मैंने ये सभी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं, प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक करें एक बार, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं, लो कार्बन स्टील को कार्बन स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर तक गर्म करते हैं और उसके बाद बहुत ही, ये इस बात पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे धातु खंड को ठंडा करते हैं, ठंडा करते हैं, ठीक है। समझ गए आप बात को कि एनीलिंग प्रोसेस में होता क्या है, कि अगर हमारी लो कार्बन स्टील है तो उसको उच्च क्रांतिक तापमान क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, उच्च क्रांतिक तापमान से 40 डिग्री से 50 डिग्री ऊपर तक गर्म करते हैं और क्या करते हैं, जो है धातु को धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं, बस हमारी एनिलिंग प्रक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। अब आप एक ग्राफ देखिए, ठीक है, ग्राफ देखिए, सिंपल सा ग्राफ। इधर क्या है हमारा, टाइम है यानी कि समय है, ठीक है। इधर हमने क्या रखा है, इधर हमने समय रखा है और नीचे हमारा क्या है, नीचे है हमारा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर है और नीचे क्या है, समय, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है, तो एनीलिंग में
कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये जो लाइन दिख रही है, आप ऐसे डायग्राम बनाइए, आप वो नहीं भूलेगा। ये जो हमारा है, ये है उच्च क्रांतिक तापमान, ठीक है। देखिए ये वाली जो लाइन है हमारी उच्च क्रांतिक तापमान की लाइन है, और इसके ऊपर देखिए ये अंतर लगभग कितना है, 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके ऊपर हम लोग गर्म कर रहे हैं कुछ देर के लिए, वहाँ पे गर्म कर रहे हैं, और इसके बाद देखिए जो इसका टेम्परेचर है, देख रहे हैं टेम्परेचर, यानी कि नीचे आएगा ये ग्राफ तो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर जो कम हो रहा है समय के साथ साथ बहुत ही धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, और यही चीज़ आप लिख लीजिए हाई कार्बन स्टील में, इसमें निम्न क्रांतिक तापमान से 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर तक गर्म करते हैं, बस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, उच्च क्रांतिक तापमान से 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर गर्म कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं, निम्न क्रांतिक तापमान के 40 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर तक गर्म कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, धातुखंड को बहुत ही धीरे धीरे ठंडा करते हैं। कैसे ठंडा करते हैं, यहाँ पर लिखिए कैसे ठंडा करते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए राख या रेत में ठंडा करते हैं, ठीक है। कैसे ठंडा करते हैं, राख या रेत में ठंडा करते हैं, या इसका एक प्रोसीजर और है कि भट्टी में धातुखंड को रहने देते हैं और भट्टी को बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे भट्टी का टेम्परेचर कम होगा और धीरे धीरे इस धातुखंड का भी टेम्परेचर होगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको यही याद रखनी कि बहुत ही धीरे धीरे धातुखंड को ठंडा करते हैं। कहाँ तक गर्म करते हैं, अगर लो कार्बन स्टील है तो उच्च क्रांतिक तापमान के 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर, और निम्न क्रांतिक तापमान है, हाई कार्बन स्टील है तो उसमें क्या करते हैं, निम्न क्रांतिक तापमान के 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर गर्म करते हैं। और हाई कार्बन स्टील क्या होती है, तो 0.8% से कार्बन की मात्रा क्या है, अधिक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई कार्बन स्टील बोलते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आइए कुछ पॉइंट लिखिए जो आपको याद रखने हैं, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और आइए कुछ हम लोग पॉइंट लिखते हैं जो एनीलिंग से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ेंगे तभी अच्छे से समझ में आएंगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब आइए लिखिए पॉइंट लिखिए कुछ। पहला पॉइंट तो आपने वो लिख ही लिया होगा कि राख या रेत में ठंडा करते हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट में लिखिए, लगा के लिखिए अनीलिंग तापमान, ठीक है। यानी कि अनिलिंग जो टेम्परेचर है भिन्न भिन्न धातुओं के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, तो वो लिखिए। मृदु इस्पात के लिखिए, मृदु इस्पात यानी कि माइल्ड स्टील के लिए लिखिए, माइल्ड स्टील के लिए कितना होता है, 840 से 870 डिग्री सेंटीग्रेड। सभी प्रश्न पूछे गए हैं, हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। सभी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही मैं आपको पॉइंट वाइज और नोट वाइज लिखाता हूं, ठीक है। उच्च कार्बन स्टील के लिए कितना हो गया आपका, 760 से 780 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मीडियम कार्बन के लिए लिखिए, मीडियम कार्बन स्टील के लिए लिखिए 780 से 840 डिग्री सेंटीग्रेड। सभी प्रश्न पूछे गए हैं, आपसे पूछा है मृदु इस्पात के लिए अनिलिंग टेम्परेचर कितना होता है, अनिलिंग तापमान कितना होता है, 840 से 870। उच्च कार्बन स्टील के लिए 760 से 780, मीडियम कार्बन स्टील के 780 से 840। सभी प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए अनिलिंग का उद्देश्य क्या है, अनीलिंग का उद्देश्य,
ठीक है। पहला उद्देश्य क्या है कि धातु खंड को क्या करना, मुलायम करना, धातु खंड को मुलायम या सॉफ्ट करना, ठीक है। क्यों करना सॉफ्ट? मशीनिंग योग्यता में सुधार के लिए, मशीनिंग योग्यता में सुधार के लिए। भैया जो धातु एकदम हार्ड रहेगी, क्या उसकी मशीनिंग हो पाएगी? उस पर टर्निंग, कोई भी क्रिया बहुत ही मुश्किल से होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अनीलिंग में उसको सॉफ्ट करने का काम करते हैं, ताकि जो भी उस पर मशीनिंग ऑपरेशन है वो हम लोग क्या कर लें, आसानी से कर लें, ठीक है। तीसरा हो गया धातु की तन्यता में वृद्धि करना, धातु की तन्यता में वृद्धि करना, ठीक है। विद्युत एवं चुंबकीय गुणों में वृद्धि करना, विद्युत एवं चुंबकीय गुणों में वृद्धि करना। अगला क्या हो गया, आंतरिक प्रतिबल दूर करना, ठीक है। ये सभी उद्देश्य ही पूछे जाते हैं, आंतरिक प्रतिबल दूर करना। और छठवां लिख लीजिए, धातु से गैसों को दूर करना, ठीक है। यानी कि मान लीजिए हमने कोई इसमें वेल्डिंग प्रोसेस किया है, ठीक है, उसमें क्या हो गई, अंदर गैसेस ट्रैप हो गई वेल्डिंग डिफेक्ट में, मैंने आपको बताया था। तो उस धातु, उस गैसों को क्या करना, बाहर निकालना, जिससे हमारी क्या हो, पोरोसिटी कम हो जाए और धातु की स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो धातु से गैसें को दूर करना, ये है हमारा एनीलिंग का पूरा प्रोसेस, ठीक है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अगला जो प्रोसेस है वो है हमारा निर्मलीकरण, या इसे हम लोग बोलते हैं सामान्यीकरण, या इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो हेडिंग डालिए सामान्यीकरण या निर्मलीकरण, और चीज़ें आपको समझ में आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए वीडियो को, क्योंकि उसी से हम लोग को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और डेली जो क्लासेज हैं आपको 5 बजे मिल जाती हैं, प्रीमियर लगता है हमारा, तो आप कोई भी वहाँ पे कमेंट भी पूछ सकते हैं, कोई आपका सवाल है तो आप नीचे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 5 बजे क्लास पब्लिश होती है, तो आप लोग ज़रूर वॉच करिए, ठीक है। दूसरा जो प्रोसेस है वो है हमारा सामान्यीकरण, या इसीलिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्मलीकरण, निर्मलीकरण या नॉर्मलाइजेशन। अब इसके नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है, नाम से आप कुछ स्पष्ट हो रहा है? तो हाँ, एक चीज स्पष्ट हो रही है कि जैसे देखिए, धातु पर हम लोग क्या करते हैं, कोई ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। धातु पे हम लोग क्या करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, मान लीजिए धातु को मोड़ा हमने, उस पर वेल्डिंग किया, तो उस पर क्या होती है, प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, यानी कि इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होती है, तो धातु की जो सामर्थ्य है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो उस आंतरिक प्रतिबल को दूर करके धातु को पुनः उसकी जो मजबूती है, उसकी जो सामर्थ्य है, उसमें वापस लाने की जो क्रिया होती है, उसी लिए हम लोग करते हैं नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, ठीक है, यानी कि निर्मलीकरण। तो आइए देखते हैं इस क्रिया में होता क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्रिया में होता क्या है। इसमें धातु खंड को उच्च क्रांतिक तापमान से 40 से 50 डिग्री, ठीक है, 40 से 50 डिग्री ऊपर तक गर्म करते हैं, और फिर ध्यान से देखिएगा, और फिर वायु में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, ठंडा होने के लिए
छोड़ देते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, ध्यान से समझिएगा। वहाँ पे हम लोग एनीलिंग में क्या कर रहे थे, राख या रेत में या भट्टी में ही बहुत ही धीरे धीरे ठंडा कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, उच्च क्रांतिक तापमान से 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर गर्म किया और वायु में रख दिया ठंडा होने के लिए। तो अंतर आपको समझ में आया, एक ग्राफ बनाइए इसका सिंपल सा, ताकि आपको चीज़ें कभी भूले नहीं। ठीक है, ये देखिए इधर क्या है, इधर है टेम्परेचर और इधर क्या है, समय। ठीक है, तो देखिए गर्म किया, ये हमारा क्या है, उच्च क्रांतिक तापमान की लाइन है, उच्च क्रांतिक तापमान। ठीक है, उच्च क्रांतिक तापमान की लाइन है ये, इसके 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर हम लोगों ने गर्म किया और उसके बाद देखिए धीरे धीरे ठंडा होने के छोड़ दिया। आप यहीं ग्राफ में लिख लीजिए वायु में, ठीक है, ताकि आप ग्राफ देखें तो आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाए। यहाँ पे जो कूलिंग कर रहे हैं हम लोग, किस में कर रहे हैं, कूलिंग हम लोग कर रहे हैं वायु में। तो यही हमारा जो प्रोसेस है, यही हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, यही हमारा प्रोसेस कहलाता है निर्मलीकरण। और जो कूलिंग की दर होती है वो क्या होती है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि इस दर से क्या लगभग ठंडा होता है, नॉर्मलाइजिंग में इस दर से लगभग हमारा जो कार्यखंड हम लोग निकाल के बाहर रखेंगे वो इस दर से ठंडा होगा। यही हमारा क्या है, यही है हमारा नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। आइए उस इसका उद्देश्य भी देख लीजिए आप लोग, कि इसका उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य लिखिए मीडियम कार्बन स्टील के सामर्थ्य में, मीडियम कार्बन स्टील के सामर्थ्य में वृद्धि होती है। ठीक है, दूसरा उद्देश्य लिखिए, उद्देश्य भी पूछता है धातु की चीमड़पन यानी कि टफनेस टफनेस बढ़ जाती है। सभी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है, टफनेस क्या होती है। ठीक है, तीसरा क्या है, ठंडी अवस्था में कार्य करने से धातु की, ठीक है, यानी कि कोई कोल्ड प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, कोई हमारी प्लेट है उसको हम लोग ठंडी अवस्था में ही मोड़ दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, ठंडी अवस्था में कार्य करने से धातु की संरचना में लिखिए, संरचना में जो परिवर्तन हुआ है, ठीक है, तथा जो आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न हुए हैं, सभी दूर हो जाते हैं। ठीक है, सभी दूर हो जाते हैं, इसका उद्देश्य मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से और हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट है हमारा हार्डनिंग प्रोसेस, यानी कि कठोरीकरण का प्रोसेस। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, जो तीसरा प्रोसेस है वो है कठोरीकरण यानी कि हार्डनिंग का प्रोसेस। इसमें धातुओं को क्या किया जाता है, कठोर किया जाता है, आपको पता है कैसे किया जाता है और किस कण के बनने के कारण जो हमारी धातुएं हैं वो कठोर हो जाती हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तीसरा प्रोसेस है कठोरीकरण। ठीक है, हार्डनिंग। ठीक है, इसमें लिखिए, देखिए इसमें होता क्या है। अब देखिए जो कठोरता है वो तीन चीजों पर निर्भर करती है, जो धातु की कठोरता है किस पे निर्भर करती है,
तीन चीजों पर। पहला क्या है? कार्बन की मात्रा पर। दूसरा क्या है? बुझाने की दर। अभी मैं बताऊंगा बुझाने की दर क्या होती है, बुझाना क्या होता है, बुझाने की दर पर। और तीसरा धातु खंड के साइज पर, ठीक है, यानी कि उसका साइज क्या है उस पर भी थोड़ी बहुत उसकी कठोरता जो है निर्भर करती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें कठोरीकरण में ये होता है कि सबसे पहली बात आपको समझना है कठोरीकरण होता किसका है। ठीक है, तो जो हमारी हाई कार्बन स्टील होती है उसी का हम लोग क्या करते हैं, उसी का हम लोग कठोरीकरण करते हैं। और जो हमारा माइल्ड स्टील होता है यानी कि मीडियम कार्बन या जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग करते हैं सरफेस हार्डनिंग। प्रश्न पूछा गया है सरफेस हार्डनिंग किया जाएगा, आपको ऑप्शन दे देगा माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, तो आपको क्या मानना है माइल्ड स्टील। ठीक है, और जो कठोरीकरण हम लोग करते हैं वो हम लोग किसका करते हैं, हाई कार्बन स्टील का करते हैं, यानी कि जिसमें 0.8% से अधिक कार्बन होता है उसी का हम लोग कठोरीकरण करते हैं। ये बात भी आपको नोट कर लेनी है अपने नोट्स में, पॉइंट वाइज लिखिए, इसमें 0.8% से अधिक कार्बन वाली स्टील को निम्न क्रांतिक तापमान, निम्न क्रांतिक तापमान से 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर तक गर्म करते हैं। ठीक है, 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर तक गर्म करते हैं, फिर इसी तापमान पर कार्यखंड को भट्टी में, यानी कि जैसे भट्टी में हम गर्म कर रहे हैं, एक निश्चित समय तक छोड़ा जाता है, एक निश्चित समय तक छोड़ा जाता है। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, फिर इसको बुझाने की क्रिया की जाती है। बुझाने की क्रिया क्या है कि किसी भी द्रव में, यानी कि जो ठंडा द्रव है किसी भी द्रव में हमारी गर्म धातु को तुरंत भट्टी से निकालना और उसमें डुबा देना, वही हमारी क्रिया क्रिया क्या है, वही हमारी क्रिया है बुझाने की क्रिया। किसमें बुझाया जाता है, पानी, तेल, फिर पानी तेल या कोई हमारा ब्राइन का घोल है, ब्राइन मतलब पानी में अगर हम लोग नमक मिला दें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, पानी तेल या ब्राइन घोल में बुझाया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, मार्टेनसाइट, ठीक है, इसको आप ध्यान लगा के लिख लीजिए, स्टार लगा के लिख लीजिए, मार्टेनसाइट, जिससे मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर बनता है और धातु कठोर हो जाती है। समझ आ गया आपको चीजें? अब आप बनाइए एक ग्राफ। ठीक है, यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, निम्न क्रांतिक तापमान, तो इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए। ग्राफ में देखिए आपका क्या होगा, वही चीजें जो मैंने आपको पहले ग्राफ में बताई, यहां पे क्या हो जाएगा टेम्परेचर, यहां पे क्या हो जाएगा समय, यहां पे हम लोग एक लाइन बना लेंगे और ये लाइन क्या रहेगी, निम्न क्रांतिक तापमान, यहां पे क्या लिख लीजिए, निम्न क्रांतिक तापमान। अब निम्न क्रांतिक तापमान के कितना ऊपर तक गर्म करते हैं, 40 से 50 लगभग, हमने इतना ले लिया। फिर कुछ देर तक, देखिए यहाँ पे समय बढ़ता जा रहा है लेकिन टेम्परेचर उसी तापमान पर, हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ देर के लिए भट्टी में छोड़ देते हैं और फिर अचानक,
ठीक है, यहाँ पे देखिए एकदम सीधा ग्राफ आएगा, यानी कि एकदम अचानक क्या कर देते हैं, धातु का टेम्परेचर लॉस होता है, समय उसमें बहुत नहीं लगता है। और देखिए समय हमारा क्या है, लगभग कांस्टेंट है, और धातु का टेम्परेचर अचानक क्या हो रहा है, एकदम जो है अचानक आ जा रहा है, क्योंकि भैया जब भट्टी से निकालेंगे किसी ठंडी चीज़ में डुबाएंगे तो जाहिर सी बात है अचानक उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो यही हमारी क्या है, क्रिया है। और जब हम लोग ऐसा करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, मार्टेनसाइट बनता है, जो कि जिसकी संरचना कैसी होती है, संरचना ऐसे बना लीजिए, सुई नुमा संरचना वाला एक कण बनता है, जिसके कारण हमारी धातु क्या हो जाती है, जिसके कारण हमारी जो भी धातु है वो हार्ड हो जाती है। ठीक है, अब मार्टेनसाइट समझ में आ रहा है ना क्या है, मैंने भी आपको शुरू में फेराइट बताया था। तो ये मार्टेनसाइट एक तरह का कण है, धातु का कण है, जब हम लोग कठोरीकरण की प्रक्रिया करते हैं तो यही कण बनता है, और इसी कण के कारण हमारी धातु क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। अब चीज़ समझ में आया, तो ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो ये है हमारा क्या, ये है हमारा कठोरीकरण की अभिक्रिया। ठीक है, अब इसका उद्देश्य भी सिंपल ही है, उद्देश्य आपका सिंपल ही है, धातु की कठोरता में वृद्धि हो जाती है, जिससे धातु घिसावट, खरोंच, ठीक है, इत्यादि का विरोध करती है। ठीक है, इत्यादि का विरोध करती है तथा तथा क्या हो जाती है, किसी अन्य धातु को काटने में समर्थ हो जाती है। जैसे आपका चीजल देखा होगा आपने, छैनी देखा होगा, चीजल का हम लोग हार्डनिंग करते हैं ना, कठोरीकरण करते हैं, तो उसके बाद वो क्या हो जाती है, लोहे को ही तो काटते हैं हम लोग, चीजल से काट सकते हैं, तो उस दूसरे धातु को काटने में सफल हो जाती है। हेक्सा ब्लेड है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं, तो उसकी सहायता से लोहे को हम लोग, दूसरे लोहे को जो हार्ड नहीं है उसको काट सकते हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो ये था हमारा कठोरीकरण का प्रोसेस, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिए, चौथा जो हमारा प्रोसेस है वो है टेम्परिंग। अब देखिए भैया, जब हम लोग कठोरीकरण कर देते हैं तो धातु में बनता है कौन सा स्ट्रक्चर, मार्टेनसाइट का स्ट्रक्चर। तो धातु इतनी ज़्यादा कठोर हो जाती है कि वो किसी काम के लिए उपयुक्त तो नहीं रह जाती है। जैसे कि आप लोगों ने चीजल का, अगर मैंने पढ़ाऊंगा भी आगे, जब दूसरे चैनल पे मैं पढ़ाता था तो जिन लोगों ने एक्चुअल अटेंड किया होगा उनको पता होगा कि अब चीजल के लिए कौन कौन सा प्रोसेस किया जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो हार्डनिंग और टेम्परिंग प्रोसेस। तो भैया हमने हार्डनिंग कर दिया, चीजल काटेगी, हम टेम्परिंग क्यों करते हैं, तो टेम्परिंग चौथा जो प्रोसेस है, टेम्परिंग करने का महत्वपूर्ण रीजन ये है कि धातु इतना मार्टेनसाइट बन जाता है, धातु इतनी हार्ड हो जाती है कि वो क्या हो जाती है, भंगुर हो जाती है, और भंगुर जब हो जाती है यानी कि ब्रिटलनेस आ जाती है, और ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी है क्या कि धातु पर जब हम कोई टेंसाइल फोर्स लगाते हैं या उसको हैमरिंग करते हैं तो वो धातु हमारी टूट जाती है। तो अब चीजल से हमको किसी धातु को काटना है, आप चीज़ों को समझिए, चीजल से हमको किसी धातु को काटना है, हमने उस पर क्या किया, हमने उस पर हैमरिंग किया, ठीक है, तो चीजल हमारी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अब वो टूटे ना तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है टेम्परिंग का प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं टेम्परिंग करते कैसे हैं, और उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो चीजल है वो टूटती नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं चौथा प्रोसेस है आज का, टेम्परिंग प्रोसेस। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, ये फिगर मैं बना रहने देता हूँ क्योंकि इसका भी आगे यूज है। चौथा हेडिंग डालिए आप लोग, टेम्परिंग प्रोसेस। इसमें लिख लीजिए क्या किया जाता है, उच्च क्रांतिक तापमान, उच्च क्रांतिक तापमान से
40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर गर्म किया जाता है। ठीक है, समझ गए आप ना कि इसमें क्या किया जाता है, उच्च क्रांतिक तापमान से 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर तक गर्म किया जाता है। अरे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आप लिख लीजिए निम्न क्रांतिक तापमान से 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे, ठीक है, नीचे तक क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। निम्न क्रांतिक तापमान से क्या किया जाता है, 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे तक गर्म किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारी कैसी लाइन है, निम्न क्रांतिक तापमान। ठीक है, आपको पता है, पहले ग्राफ देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। निम्न क्रांतिक तापमान की लाइन है, इधर हमारा क्या है, टेम्परेचर है, इधर क्या है, समय है। तो अब आप समझ लीजिए कि कठोरीकरण के बाद कौन सा प्रोसेस होता है, प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे स्टार लगा के, नोट लगा के, जैसे भी आपको लिखना है लिख लीजिए कि कठोरीकरण के बाद, कठोरीकरण यानी कि हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग का प्रोसेस होता है, टेम्परिंग की क्रिया होती है। प्रश्न पूछा गया है कठोरीकरण के बाद टेम्परिंग की जाती, कौन सी क्रिया की जाती है, तो टेम्परिंग की जाती है। तो ये देखिए, ये हमने क्या पढ़ा, ये हार्डनिंग का प्रोसेस था, आप इसमें ऐसे लिखिए हार्डनिंग। ठीक है, हार्डनिंग किया हमने, क्या किया, निम्न क्रांतिक तापमान से 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर गर्म किया, फिर अचानक ठंडा किया, तो हमारा क्या हो गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इसी को क्या करेंगे, निम्न क्रांतिक तापमान, देखिए मैंने बताया है ना, निम्न क्रांतिक तापमान से नीचे, तो देखिए निम्न क्रांतिक तापमान से नीचे है ना, ये निम्न क्रांतिक तापमान से नीचे इसको गर्म कर रहे हैं, और फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसको ठंडा कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो जा रहा है, ये टेम्परिंग का प्रोसेस हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे लिखिए टेम्परिंग, जैसे मैं ग्राफ बना रहा हूँ ऐसे आपको कोई पढ़ाता नहीं है, तो आप सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, आप यूट्यूब पे कहीं भी देख लीजिए, कोई आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाएगा ग्राफ बना के, और कोई इस तरीके से आपको चीज़ों को समझाएगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे आपको भी अपने नोट्स में ग्राफ बना लेना है। हार्डनिंग का प्रोसेस हुआ, फिर उसी के बाद क्या हुआ, टेम्परिंग का प्रोसेस हुआ, और टेम्परिंग का प्रोसेस होने में बनता क्या है, जैसे हमने, मैंने अभी आपको बताया कि कठोरीकरण, ध्यान से समझिए, कठोरीकरण में क्या बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था मार्टेनसाइट। ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो सुन के लिख लीजिए, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ मार्टेनसाइट, जहाँ पे मार्टेनसाइट बन रहा था, और यहाँ पे मार्टेनसाइट को जब हम लोग टेम्परिंग का प्रोसेस करते हैं, तो जो हमारा मार्टेनसाइट कण है वो किस में बदल जाता है, वो बदल जाता है परलाइट में, हिंदी में बोलते हैं हम लोग परलाइट। ठीक है, और इंग्लिश में आप इसे पियर लाइट भी बोल सकते हैं। जो मार्टेनसाइट का परिवर्तन है वो किस में हो जाता है, पियर लाइट में, और पियर लाइट में परिवर्तन होने से फ़ायदा ये होता है कि धातु हार्ड तो रहती है लेकिन अंदर से क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, तो कटाई का काम भी करती है लेकिन उसमें आघात सहन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, और वो आघात करने पर, हैमरिंग करने पर टूटती नहीं है। तो टेम्परिंग का उद्देश्य भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि धातु में शॉक एब्जॉर्ब करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है और वो जो है टूटती नहीं है। यहाँ पे स्टार लगा के लिखिए कि टेम्परिंग में होता क्या है, तो टेम्परिंग में मार्टेनसाइट का परिवर्तन किस में होता है, पियर लाइट में हो जाता है, जिसके कारण हमारी धातु कठोर भी रहती है लेकिन उसमें थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस भी आ जाती है काम भर की, जिससे वो कटाई भी करती है लेकिन टूटती नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया कि टेम्परिंग में हम लोग करते क्या हैं। तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य में लिख लीजिए, इसमें
धातु की अतिरिक्त भंगुरता, अतिरिक्त यानी कि जो बहुत ज्यादा है जिसका हमें यूज नहीं है, अतिरिक्त भंगुरता, भंगुरता को कम किया जाता है, कम किया जाता है। आपको इसका जो है उद्देश्य समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दूसरा आप इसका लिख लीजिए, इससे धातु में झटके सहने की यानी कि शॉक एब्जॉर्ब करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अब चीजें आपको समझ आई। और जो है टेम्परिंग का दो प्रकार होता है, पहला क्या होता है मार टेम्परिंग, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, दूसरा क्या होता है आस टेम्परिंग, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, मार टेम्परिंग प्रोसेस इज ए, ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा। मार टेम्परिंग प्रोसेस है, एक टेम्परिंग प्रोसेस, एक हार्डनिंग प्रोसेस, एक एनीलिंग प्रोसेस, एक नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मार टेम्परिंग, टेम्परिंग किसमें लगा है, तो कैसा प्रोसेस है, टेम्परिंग का प्रोसेस है। आज टेम्परिंग किस कैसा प्रोसेस है, टेम्परिंग का प्रोसेस है। तो इतने जो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी हैं, ठीक है। अब आप लोग लास्ट में कुछ लिख लीजिए, नोट्स लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेक्चर हालांकि बहुत लंबी हो रही है, लेकिन लास्ट में जो मैंने कुछ नोट्स लिए हैं, जो प्रश्न हैं पूछे गए हैं, नोट्स के माध्यम से सभी चीज़ों को लिख लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5-10 मिनट में कोई काम होने वाला है नहीं, चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है तो पूरा लेक्चर आपको अटेंड करना पड़ेगा। नोट्स लिखिए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, यानी कि जो मैं नोट्स लिखा रहा हूँ, ये जो हमारे चार प्रोसेसेस हम लोगों ने पढ़े, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, इससे मैं आपको नोट्स लिखा रहा हूँ। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हमारा जो सरफेस हार्डनिंग का प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि सतह कठोरीकरण का जो प्रोसेस है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें कई प्रोसेस होते हैं, कार्बोराइजिंग होता है, नाइट्राइडिंग होता है, साइनाइडिंग होता है, इंडक्शन हार्डनिंग होता है, फ्लेम हार्डनिंग होता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आप नोट डालिए, नोट डाल के चीज़ों को लिखिए। कार्य की वजह से, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं लिखूंगा, आप लिखते जाइए, सुनते जाइए, नोट करते जाइए। कार्य की वजह से उत्पन्न आंतरिक दोष, आंतरिक दोष को दूर करना कौन सा प्रोसेस है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। दूसरा लिखिए, एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य, प्रश्न पूछा गया है ये सब, तभी मैंने आपको उद्देश्य लिखाया है। एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य, दो प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों आप लिखिए। क्या क्या, पहला क्या है, धातु को नरम करना, दूसरा क्या है, मशीनिंग योग्यता में सुधार करना, योग्यता में सुधार करना। तीसरा लिखिए, जब स्टील को, या स्टील इसमें दिया है कोई भी धातु हो, स्टील को भट्ठी में गर्म किया जाता है, फिर वायु में, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि क्लास हमारी ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। जब स्टील को भट्ठी में गर्म किया जाता है, फिर कहाँ ठंडा किया जाता है, वायु में ठंडा किया जाता है, तो कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया कि जब स्टील को भट्टी में गर्म किया जाए और वायु में ठंडा किया जाए तो कौन सा प्रोसेस होता है, नॉर्मलाइजिंग का प्रोसेस होता है। चौथा लिखिए, एनीलिंग में शीतलन किया जाता है, एनीलिंग में शीतलन किया जाता है, कैसे किया जाता है, बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है,
जो भी टेम्परेचर है उस पर गर्म करने के बाद। पांचवा लिखिए, हाई स्पीड स्टील की टेम्परिंग की जाती है। टेम्परिंग कितने टेम्परेचर पे की जाती है? 550 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक की जाती है। और लास्ट नोट लिखिए, हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग की जाती है। हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग की जाती है। तो ये था हमारा प्रमुख नोट्स जो हम लोगों ने पढ़ा, उसका निचोड़। और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई वो सभी चीज़ें आपको याद रखनी है अगर एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपका जो कॉन्सेप्ट है वही क्लियर करने का प्रयास किया है कि एनीलिंग क्या है भैया, उच्च क्रांतिक तापमान की ऊपर की जाती है नीचे की जाती है, तो उच्च क्रांतिक तापमान क्या है, निम्न क्रांतिक तापमान क्या है, क्यों किया जाता है इस प्रोसेस को, टेम्परेचर जो महत्वपूर्ण है, किस तापमान पर किस धातु के लिए किया जाता है, सभी चीज़ें मैंने आपको लिखाने की कोशिश किया, उद्देश्य बताया, जहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते थे उन सभी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप वीडियो नहीं भी देखना चाहते हैं तो आपको लगता है कि हाँ मेरा कोई दोस्त कमज़ोर है, तो उसके साथ शेयर भी करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगली मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे आपको सेट कर लेना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।